सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठाकुर जी ने जो समाजवादी आंदोलन, उससे पहले आजादी की लड़ाई और आजीवन किसान मजदूर गरीब वंचित वर्ग दबे हुए लोगों के लिए उन्होंने सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो इसकी लड़ाई आजीवन वो लड़ते रहे, वो लड़ाई अभी अधूरी है, उस लड़ाई को ही आगे ले चलना है और तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक बराबरी न आ जाए, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी दूर न हो। अभी देश प्रदेश की हालत खराब है, आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी से लोग तबाह है, देश अपना देश का जीडीपी ग्रोथ हरेक पड़ोस के देशों से नीचे चला गया, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि एक दिन में 35 बेरोजगार आत्महत्या कर ये रिपोर्ट हाल में आई है और 36 लोग स्वरोजगार वाले आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब रोज दिन ये कम से कम 65-70 लोग हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगार करके। इसलिए बेरोजगारी की लड़ाई प्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, गांधी मैदान में सभी इंजीनियरों की बेरोजगारी एक दिन में उन्होंने दूर कर दी थी, 6500 इंजीनियर को एक दिन बहाल कर दिए और नियुक्ति पत्र बांट दिए, तो सब करके उन्होंने दिखाया वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए लड़ाई आगे लड़ेंगे। ये जो संविधान हमको इजाजत देता है, कब जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा संविधान खलिहान से लेकर संविधान तक उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, तो संविधान में भेदभाव की इजाजत नहीं देता, धर्म के मामले में भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन सीएए कानून बना दिया जिससे देश दुनिया भर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लड़ाई चली, लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहां सभी विश्वविद्यालयों में, यहां जवाहरलाल विश्वविद्यालय में गुड़का पहन करके वो नकाब लगा करके गुंडागर्दी किया, टीचर लोग को छात्र लोग को पिटवा दिया, वहां पुलिस प्रवेश कर गई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, हर जगह दमन का काम हो रहा है, तानाशाही वाला रवैया, लेकिन लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वो कानून वापस नहीं लेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का यही अरमान था कि ये लड़ाई जारी रखनी है तब तक जब तक गैर बराबरी न दूर हो जाए, गैर बराबरी से पीड़ित हैं उस सबके कल्याण के लिए, भला के लिए वाले दिन मना रहे कर्पूरी ठाकुर काल में भी वो ही था, मौर्य में था हनुमान जी का मारने का रमणा बड़ा बड़ा कहता, यही काल नेमी की तरह ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं, इसीलिए इनके धोखा में जनता नहीं आएगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर आजीवन जो लड़ गए, कैसे जनसंघ है, बीजेपी वाले तो पुराने जनसंघ है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे जनसंघ नहीं है ये धन संघ, और इनसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं, पूंजीपति का मालूम माल होगा, गरीब आदमी कंगाल होगा।